शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। एक मामूली सी चुड़ैल होकर मुझ जैसी शक्तिशाली डाकिनी से लड़ोगी? इसका अर्थ है ये पूरा परिवार ही डाकिनी और चुड़ैलों का है। हम जानते हैं आपने अभी अभी क्या देखा, और हम ये भी जानते हैं कि हमारी भाभी माँ इस महल की असली रानी साहेब और अधिराज की वास्तविक माँ अभी तक जीवित है। आप चाहें तो मैं आपको उनके पास लेके जा सकती हूँ। आइए। मेरा पैर। संभाल के निकल। अरे रुको, देखने दो। अब पैर कैसा है? ठीक है। इससे पहले डाकिनी हमें देख ले, हमें रानी माँ तक पहुंचना होगा। पर वो गुफा कहाँ है? यहीं आसपास कहीं है गुफा। अधिराज, आपने तो कहा था हम शिकारपुर जाएंगे, पर हम तो गांव में आ गए। अधिराज, रानी माँ ने आपको गांव में जाने से मना किया है, वो बहुत गुस्सा होंगी। आप चलिए हमारे साथ। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तुम्हें जाना है तो चली जाओ। और रही बात माँ की, तो हम उन्हें संभाल लेंगे, और वैसे भी हम कुछ गलत नहीं कर रहे। पिछली बार गांव आया था तो उस आफत को साथ में उठा के ले गया था, इस बार पता नहीं कौन सा संकट साथ में ले जाएगा। प्रणाम काका, हम यहाँ के राजा के विषय में कुछ जानकारी चाहते थे, अगर आप दे सके तो। उनको कौन नहीं जानता है, राजा साहब एक अच्छे और नेक दिल इंसान थे। ये जो मकान देख रहे हैं उन्हीं का दिया हुआ है, और हर साल जी भर के दान करते थे। जब गांव में अकाल पड़ा था तो राजा साहब ने अपने महल का पूरा खजाना खोल दिया था। देखो तो इसके पोशाक कैसी पहनी है जी। हमें भी अपने पिता महाराज के साथ ऐसा सुखद समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त हो था। इन्हें हमारे पिता महाराज के विषय में अवश्य जानकारी हो। तो इसी गांव में रहते हैं? जी हाँ। तो फिर आप यहाँ के राजा साहब के बारे में सब कुछ जानते होंगे? उनके बारे में कौन नहीं जानता। एक समय था जब हम हमारे भगवान से ज्यादा राजा साहब का नाम लेते थे, पालनहार थे वो हमारे, दया की मूरत से। पर तुम क्यों पूछ रहे हो उनके बारे में? नहीं, वो बस
लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। गुफा कहाँ है? मिल गया रास्ता, यही है गुफा के अंदर जाने का रास्ता। जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो, क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी मुस्कुराहट होगी। यहाँ से कूद कर जाना होगा गुफा के अंदर, क्योंकि मुझे कोई और रास्ता पता नहीं है। जय मां अंबे। अब आएगा मजा। जब मैं यहाँ आई थी तभी दरवाजा नहीं था यहाँ। स्वागत है महल की नई रानी। क्या हुआ तुम्हें ना? रानी साहब नहीं मिली? आप दोनों मिले हुए? तुम क्यों जानना चाहते हो राजा साहब के बारे में? क्योंकि वो हमारे भी हम उनके जितना पूछा गया चुपचाप उतना बताओ, वरना तुम जानते नहीं हो कि हम कौन है। इसके कपड़े तो देखो, लगता है नाटक गिरिया से भागकर आई है। अरे ये तो वही है जो सुनैना को मंडप से भगाकर ले गया था। तुम जैसे गिरे हुए इंसान को हमारे राजा साहब का नाम भी लेने का अधिकार नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, नीच। तू इस सीमा में रहकर बात करना, मंडप बेटा। प्रणाम। खुश रहो बेटा। कौन? रानी वो। तुम तो? हाँ नानी, हम वही हैं। और सुने ना? रानी वो नहीं है। काकी, काकी ये तो वही लड़का है जिसने सुना ना पिछले को। मैं जानती हूँ, मैंने ही इन्हें बुलाया है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ चुकी हूँ ये बुरा इंसान नहीं है। कनक, ये सुनैना की नानी है, प्रणाम करो इन्हें। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? प्रणाम।
खुश रहो। बेटा ये तुम्हारी बहन है? नहीं नानी, मित्र है। नानी हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी है, क्या हम अंदर चलकर बैठ सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो बेटा। पता नहीं अंधराज को हुआ क्या है, आज इसकी वजह से मुझे इस अंधी बुढ़िया के सामने हाथ जोड़ने पड़े। तुझे क्या लगा था कि तू यूं ही मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचती रहेगी और मुझे पता भी नहीं चल पाएगा? चंद्रलेखा हूं मैं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूं। संदेह तो मुझे उसी दिन हो गया था जब तुम महल वापस आई थी। तुम्हारे हाव भाव देखकर समझ गई थी मैं कि तू मेरी सच्चाई जान चुकी है। बहुत गलत कर रहे हो तुम दोनों। गलती तो तुमसे हुई है, हमारी सच्चाई जानकर। इसलिए तुम्हारी गलती का दंड देने के लिए मैंने अपने प्रेमी, मेरा मतलब है मेरे सबसे अच्छे मित्र को बुलाया। मित्र? हाँ, लेकिन राजा का नहीं। मेरी चंद्रा का। तावंश, तानव और मानव का पंच। इतना सही तो करना है इस लड़की के साथ। कितनी मूर्ख हो तुम, चंद्रलेखा के क्षेत्र में रहकर ये सोच रही हो कि कोई तुम्हारी मदद के लिए आएगा। जैसे तुमने मुझे, यानी कि जैसे मुझे राजा साहब का मित्र समझ लिया था। छोड़ दो मुझे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, अभी तो तुम्हारे गले से तुम्हारी अंबे माँ का ये कुंदा निकालना बाकी है, तभी तो दांश तुम्हें पत्थर का बना पाएगा। ये मत सोचना कि अंबे माँ का आशीर्वाद सिर्फ इस कुंदे में, अंबे माँ का आशीर्वाद भक्ति बनकर मेरे रोम रोम में बहता है और तुम चाह कर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो, इस लड़की का घमंड और अच्छा है, जिसमें जितना घमंड होता है उसका विध्वंस करने में उतना ही आनंद आता है। क्यों चंद्रा,
पंच तो तुम पापियों का होगा। देखना, अम्बे माँ के प्रहार से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता और तू हमारे वार से नहीं बच पाएगी। हतिराज, तुम कहाँ हो? मैं आ गया दीजिए नानी। जरा रुकना बेटा। इस नींबू को ना अपने पांव से दबा दो। हाँ, सुनैना की सुहाग को कभी किसी की नजर न लगी। गरीब नानी के पास आशीर्वाद और गुड़ की मिठास से अधिक और कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। नानी, प्यार और आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं होता, और जो स्वादिष्ट भोजन आपने हमें कराया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बस हम ये चाहते हैं कि हम जब कभी भी यहाँ पर आए आप अपने हाथों से हमें ऐसे ही स्वादिष्ट भोजन कराएं। और ये सुनैना के लिए, उसे दे देना। बहुत सुंदर चित्र है, और ये चित्र किसका है नानी? सुनैना की माँ की चित्र है। जब भी उसे अपनी माँ की याद आएगी वो ये चित्र देखकर अपना मन बहला लेगी। कहीं इसे इसके माता पिता के विषय में कुछ पता ना चल जाए, कैसे रोकूं इसे? पर इस चित्र में सुनैना की माँ कौन सी? वो जिसने लाल साड़ी पहनी है। उनके साथ चित्र में और कौन है? वो अधिराज, बहुत देर हो गई है, चले। वो सुनैना की माँ की सबसे अच्छी सहेली है, बहुत खास। और वो कहाँ पर है अभी? वो भी कहीं भटक रही है किसी अपने को ढूंढने के लिए। नानी, अब हमें जाना होगा, बहुत देर हो गई और सुनैना हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। मेरा मतलब अब महल में सब लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ठीक है बेटा। और नानी, स्वादिष्ट भोजन कराने के लिए और हमारे पिता महाराज के विषय में इतना कुछ बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समझो मैंने बहुत ही कम बताया है उनके बारे में। राजा साहब की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। और नानी, पहले हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा कर देना, और हम आपको वचन देते हैं कि आगे से शिकायत का अवसर नहीं देंगे। अश्वनी जी, नहीं मुझे खुश रहिए, तरक्की कीजिए। ये
तो वही अरियल घुड़सवार है। पर वो हमारे घर में क्या कर रहा था? चंद्रा, क्या इस बार भी अपना काम हो जाने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगी? नहीं दान, इस बार हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। कोई रोको इसे। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। इन्हीं हाथों से प्रहार करती हो ना, तो अब करो प्रहार। इसे ऐसी मौत दो दांश कि ये अगले जन्म में टाकनी नाम से थर्राए। सुने ना,